अध्याय तीन। निदान, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। आठवें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीही यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिस समय मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीही पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीही यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उधार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीन हीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा।